दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को समर्थन देने वंचित बहुजन आघाड़ी अमरावती की ओर से शाहीन बाग की तर्ज पर जिला अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय अमरावती के समक्ष एक दिवसीय किसान बाग आंदोलन का आयोजन किया गया। विवादित नए कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में किसानों का देशव्यापी आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन को समाज के विविध घटकों का समर्थन मिल रहा है, जिसके तर्ज पर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से भी यह एक दिवसीय किसान बाग का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में वंचित बहुजन आघाड़ी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। वंचित बहुजन आघाड़ी जे मुस्लिम समाज से जे कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी आहे, बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशावर आज पूर्ण मुस्लिम समाज जे आहे महाराष्ट्रातला, ते किसान विरोधी जे कायदे आहेत त्यांच्या विरुद्ध आहे आणि किसान सोबत आम्ही आज ठामपणे आज उभा आहोत, हे मेसेज आम्हाला कळवायचं आहे। एक शेर सांगतो मी के जलते घर को देखने वालों, उसका छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुपो, अगला नंबर आपका है। किसान हो गया, मुसलमान हो गए, सिख समाज हो गया, अब ओबीसी है, मजदूर है, हर वो जब जो तबका है आज समाज का, त्यांच्या विरुद्ध आरएसएस बीजेपी सरकार आहे, मी ठामपणे इकडे सांगतो आणि सगळ्यांना कॉशन देतो की यांच्या विरोधात आपल्याला उभा राहायचं आहे। लोकतंत्र पाहिजे आपल्याला, बीजेपी आणि आरएसएस सारखी मेंटॅलिटी जी आहे त्यांना आपल्या खुर्चीवरून खाली आपल्याला काढायचं आहे, हे मेसेज मी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे देतो। जिले के ग्रामीण इलाकों में पिछले कई दिनों से शराब की बाढ़ बहती जा रही है। अवैध शराब विक्रेताओं पर नकेल कसने के लिए जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन के निर्देशों पर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम ने अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया है। इसी कड़ी में अपराध शाखा टीम ने परसापुर के शराब दुकान में ऑटो से शराब के बॉक्स ले जाते हुए ऑटो को पकड़ा। इस कार्रवाई में पुलिस ने ऑटो सहित 1,39,400 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस को देखते ही परसापुर में रहने वाला संतोष ठाकुर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने छोटेलाल सुराडे को हिरासत में लिया है। लंबे इंतजार के बाद यानी कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से जारी शैक्षणिक सत्र में जून माह से अब तक सभी स्कूलें बंद पड़ी थी। वहीं अब 27 जनवरी से कक्षा 5वीं से 8वीं हेतु शालाओं में पहले की तरह ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लंबे समय के बाद शालाओं में अब घंटियों के साथ ही बच्चों की हंसी भी गुंजायमान हुई। शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी शालाओं में सैनिटाइज एवं जंतुनाशक फवारनी स्कूलों में की गई। उसके बाद बच्चों का पहला दिन होने के कारण स्वयं शिक्षकों के द्वारा बच्चों को गुलाब का पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। शासनाचे जे जे निर्देश होते आम्ही मुलींच्या प्रवेश गेटवर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी 4-4 फूट अंतरावर गोल केले होते तयार, त्या गोलांमध्ये मुलींना उभे केले आणि त्यानंतर वन बाय वन मुलींना आत प्रवेश दिला। आत आल्यानंतर गेटच्या आतमध्ये मुलींचं पहिल्यांदा सॅनिटायझरचा वापर करण्यात आला मुलींकरता, त्यानंतर ऑक्सिमीटरचा वापर करून त्यांचं ऑक्सिजन लेवल तपासण्यात आली। दर्यापूर शहर में राज्य महामार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यह निर्माण कार्य बीते कुछ दिनों से अधूरी व्यवस्था में है, जिसके चलते यहाँ पर छोटे मोटे हादसे सामने आ रहे हैं। आज शहर के पेट्रोल पंप पर ट्रक की चपेट में आने से दुपहिया सवार महिला की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। गुस्साई भीड़ ने ट्रक पर पथराव कर भारी मात्रा में नुकसान किया। हाल ही में रोशन नगर, हैदरपुरा, रहमत नगर प्रभाग में राजवीर जनहित संगठना की कॉर्नर बैठकों का सिलसिला जारी है। इस बैठक में मुस्लिम बहुल परिसर के पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम युवा तथा बुजुर्ग को जोड़ने का सिलसिला जारी है। जगह जगह कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसका एकमात्र कारण यही है कि राजवीर संगठन जनता के काम पर और उनके मूलभूत अधिकार तथा विकास के कामों पर खरी उतर रही है। इस विषय में हमारे न्यूज चैनल को राजवीर जनहित संगठना के सर्वे सर्वा रहमत खान ने यह जानकारी दी। बड़ी शर्म की बात, ये चार करना ही चाहिए था, यह हरा निशानी दिखनी चाहिए थी, तब जाकर के बताया जाता था कि नहीं मॉब ब्लीचिंग हो रही है। उस समय में जब अंसारी को मारा गया था, तो इमरान भाई यहाँ बैठे है, इन्होंने ताकत से मोर्चा निकाला और कलेक्टर पे विरोध प्रदर्शन किया, तोड़ फोड़ की,
कि हमको न्याय होना, मॉब ब्लीचिंग करके मुसलमानों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों मारा जाता है। रामपुर कैंप परिसर स्थित सिंधी समाज के आराध्य दैवत वरुण अवतार झूलेलाल मंदिर के विकास कार्यों का भूमि पूजन क्षेत्र के पार्षद श्रीचंद तेजवानी की उपस्थिति में महिला समिति के हस्ते किया गया। गौरतलब है कि अनेकों वर्षों से उपेक्षित रामपुर कैंप परिसर का एकमात्र झूलेलाल मंदिर विकास कार्यों से वंचित था। मंदिर प्रांगण में लगातार सफाई के पश्चात भी भाविक श्रद्धालुओं को यहां पर आने से परेशानी हो रही थी, जिसे पार्षद श्रीचंद तेजवानी के प्रयासों से पेविंग ब्लॉक लगाने का कार्य और सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया गया।